नागपंचमी पर्व बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर शिवालयों में पूजा अर्चना कर मनोकामना की। सावन माह को सबसे पवित्र माना गया है। इस माह में देव के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह का पहला सावन सोमवार पंचमी के दिन ही आया है। इसी दिन नाग पंचमी सभी और बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। जहां तहां मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। शिवालयों में भगवान शिव शंकर के साथ उनके गले में श्रृंगार यानी नाग देवता की भी विशेष पूजा की गई। शिव मंदिर तथा नाग मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। तो वही चंद्रपुर शहर का ऐतिहासिक अंशलेश्वर मंदिर, जहां हर वर्ष नाग पंचमी के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तगणों का यहां तांता लगा रहा। बड़ी ही श्रद्धा भाव और भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना की गई। विदर्भ भूमि यह नाग भूमि के रूप में भी पहचानी जाती है। विदर्भ के कई तहसील में कई नाग मंदिर देखने को मिलते हैं। चंद्रपुर जिले के भद्रावती तहसील के भद्रनाग मंदिर जागृत देवस्थान में भी श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के लिए लंबी कतार नजर आई। पूजा की सामग्री से सजी दुकानें और भक्तों की भीड़ से मंदिर परिसर सरापोर हो उठा। बड़ी भक्तिभाव के साथ यहाँ भक्तों ने पूजा अर्चना कर मनोकामना की। इस तरह से नाग पंचमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। आज गर्दी है आणि भरपूर भक्त इथे आलेले आहेत। भक्तांची गर्दी आहे इथे आणि सगळेजण दर्शन घेऊन राहिलेले आहेत आणि त्यांना अंकलेश्वर देवाचा आशीर्वाद प्राप्त हो ही शब्दांनी प्रार्थना। भद्रशेष नाग हे खूप पुरातन आणि भक्ताला पावणारं असं मंदिर आहे। इथे ज्यांनी ज्यांनी नवस बोलला त्या नवसाला ते पावणारे आहेत। या मंदिराची विशेषता म्हणजे अशी की हे भद्रशेष नाग मंदिर असल्यामुळे या गावाला भद्रावती नाव असे पडलेले आहे। आणि या मंदिरामध्ये नागपंचमीच्या दिवशी मध्य प्रदेशातून लोक खूप येतात आणि इथे शेंदूर लावण्याकरता रात्री 12 ते 1 खूप गर्दी असते। एक नंतर या मंदिरामध्ये महापूजा होते आणि ती पूजा होऊन पहाटे भक्तांकरता मंदिर मोकळे होते। आशीष उनके सर पर रखता है, उनकी मनोकामना पूरी करता है।